हेयर वॉश से लेकर हेयर रिबॉन्डिंग, हेयर कलर, कैरेटिन और हेयर स्पा करने के लिए हेयर शाफ्ट को जानना बहुत ज़रूरी होता है एक हेयर स्टाइलिस्ट के लिए। हाय एवरीवन, वेलकम टू उस्मान वजीर हेयर सॉल्यूशन, और मैं हूँ उस्मान वजीर। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ हेयर शाफ्ट के बारे में। अब हमारे हेयर किस चीज़ से बने होते हैं? हमारे हेयर बने होते हैं प्रोटीन से, जिसे हम कैरेटिन भी कहते हैं। हमारे बालों का 80% पार्ट प्रोटीन से बना होता है, 80% हिस्सा प्रोटीन से बना होता है, 15% होता है मॉइस्चर, मतलब पानी, जो आपके बालों को ड्राई नहीं होने देता, 4% होता है मिनरल्स, उन मिनरल्स को हम कॉर्न्स भी कहते हैं। जी हाँ, कॉर्न्स मीन्स सी इज कार्बन, ओ इज ऑक्सीजन, एच इज हाइड्रोजन, एन इज नाइट्रोजन एंड एस इज सल्फर। ये मिनरल्स होते हैं 4%, और 1% होता है पिगमेंट्स, पिगमेंट्स जो कि हमारे बालों को कलर देता है। अब हम बात करते हैं बालों के लेयर्स के बारे में। हमारे बालों में 3 लेयर्स होते हैं, फर्स्ट लेयर क्यूटिकल्स, सेकंड लेयर इज कॉर्टेक्स एंड थर्ड लेयर इज मेड्यूला। क्यूटिकल्स हमारी फर्स्ट लेयर होती है, सबसे बाहरी लेयर होता है। इसका काम होता है आपके बालों के स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करना, कवर करना। यह फिश स्केल की तरह दिखता है, जैसे या मान लीजिए रूफ टाइल्स जो होते हैं एक के ऊपर एक ओवरलैप किए हुए, ये उसके जैसा दिखता है। आपका बाल हेल्दी है, ड्राई है या डैमेज है, ये क्यूटिकल पे डिपेंड करता है। अगर आपके बाल ड्राई है, डैमेज है, तो आपके क्यूटिकल ओपन है। अगर आपके क्यूटिकल बंद हो गए तो आपके बाल हेल्दी शाइनी नज़र आएंगे। अगर आपके क्यूटिकल डैमेज है तो आपके बाल जल्दी टूटेंगे। अब हम बात करते हैं सेकंड लेयर कॉर्टेक्स के बारे में। यह आपके बालों को स्ट्रक्चर और कलर देता है, इसमें पिगमेंट्स और बॉन्ड्स होते हैं। आप जो भी हेयर केमिकल का काम करते हैं, रिबॉन्डिंग, कलर का, पमिंग का या फिर स्ट्रेटनिंग का, ये सारा होता है आपके सेकेंड लेयर कॉर्टेक्स के ऊपर। और आप जब ब्लो ड्राई करते हो या आयनिंग करते हो, वो भी होता है सेकेंड लेयर कॉर्टेक्स के ऊपर। थर्ड लेयर जो होता है आपके बालों का, वो इनर मोस्ट लेयर होता है, जिसको कहते हैं मेड्यूला। ये जो लेयर होता है, ये एक होलो स्पेस होता है, एक खाली जगह होती है, और ये उन्हीं बालों में होती है जो मोटा है, पतले बालों में ये नहीं होती है। कोर्स बाल, जिनको हम बोलते हैं मोटे बाल, उन्हीं बालों में होती है, और ये सिर्फ एक खाली जगह होती है। सो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।